मोहल्ले में अनैतिक एवं अवैध व्यापार में संलग्न आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हरी सिंह का बगीचा जाट मोहल्ला थाना केंट के रहवासियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मोहल्ले में कुछ लोगों के द्वारा देह व्यापार किया जा रहा है, जिससे मोहल्ले के युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है। साथ ही मोहल्ले का वातावरण भी दूषित हो रहा है। वहीं मुक्ति धाम के पीछे स्मैक बेचा जा रहा है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है और अगर उनके खिलाफ कोई ठोस आवाज उठाता है तो उसे झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी भी दी जाती है। देह व्यापार के संबंध में और स्मैक दिख रहा है कैंट मुक्ति धाम के पीछे, इस संबंध में वहाँ पे क्या है, मेरा निवास भी है और ये सब मोहल्लेवासी मेरे साथ में आए तो क्या है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका और बहुत काफ़ी समय से चल रहा है और क्या है, कोई आवाज़ उठाने का प्रयास करता है तो उसमें क्या करते हैं ये कि ना झूठे प्रकरणों में फंसाते हैं ये लोग। आज आपने ज्ञापन कहाँ सौंपा है? जी SP साहब को सौंपा है मैंने ज्ञापन। मेरा नाम सुनील खट्टी, मैं निवासी कैंट। उन्होंने बताया कि जबकि कैंट थाना पास में ही है, इसके बाद भी स्मैक माफिया बेखौफ होकर अपना धंधा कर रहे हैं। रहवासियों ने मांग की है कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर स्मैक माफियाओं को गिरफ्तार किया जाए। इस मौके पर सुनील खटिक सहित बड़ी संख्या में रहवासी मौजूद रहे।